संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। दोनों नदियां खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं। दोनों नदियों के बढ़े हुए जलस्तर ने तटीय इलाकों के रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। करीब 3 दर्जन से अधिक ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ की जद में आए लोगों ने अपना घर छोड़कर छतों पर अपना ठिकाना बना लिया है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाढ़ राहत शिविरों का भी रुख कर लिया है। अचानक 3 दिनों के भीतर गंगा यमुना के रौद्र रूप ने लोगों को समझने का भी मौका नहीं दिया। गंगा जहां 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है, तो वहीं यमुना का जलस्तर भी 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। जिस रफ्तार से गंगा और यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, इससे माना जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में दोनों नदियां खतरे के निशान को पार कर जाएंगी। दोनों नदियों के बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए प्रशासन की टीम भी अलर्ट हो गई है। बाढ़ राहत शिविरों के साथ ही चौकियां बनाई गई हैं। गंगा और यमुना के तटवर्ती इलाकों में जल पुलिस के साथ ही NDRF और SDRF की टीमें गश्त कर रही हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नावों की तैनाती की गई है। दोनों नदियों के बढ़ते हुए जलस्तर ने कई गांव के संपर्क मार्ग को भी अपनी जद में ले लिया है। झुंसी के बद्रा सोनोटी समेत कई गांवों का संपर्क मार्ग भी जलमग्न हो चुका है, जिसके चलते आने जाने वाले लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं शहर के दारागंज इलाके में भी अधिकतर घरों के भीतर पानी पहुंच चुका है। लोगों ने अपने घरों की छतों पर ठिकाना बना लिया है। कुछ इसी तरीके के हालात शहर के सलोरी, वघाड़ा, गोविंदपुर, चिल्ला, राजापुर, ऊंचवागढ़ी, बेली, कछार, गंगानगर इलाके के भी हैं, जहां पर हजारों की संख्या में घरों के भीतर पानी पहुंच चुका है। लोग घरों की छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं या फिर बाढ़ राहत शिविरों में रहना शुरू कर दिए हैं। जिस तरीके से दोनों नदियों ने पिछले 3 दिनों के भीतर विकराल रूप लिया है, इससे माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में गंगा और यमुना के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें कम होने वाली नहीं है, क्योंकि दूसरे शहरों में हुई भारी बारिश के साथ ही दूसरे राज्यों से कई लाख क्यूसेक पानी गंगा और यमुना में छोड़ा गया है। आने वाले दिनों में जब यह पानी प्रयागराज में पहुंचेगा, तो आसपास के इलाकों में तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। बाढ़ के पानी निचले इलाके में रहने वालों को बहुत परेशानी हो जाती है और गाड़ी आने जाने में परेशानी होती है। जो नीचे लोग रह रहे हैं उनको भी परेशानी होती है, उनको सामान लेकर के भागना पड़ता है। और हमारे यहाँ कोई जगह अब ऐसा नहीं बचा है जहाँ के गरीब लोग बेचारे जो रहते हैं वो रहें। कीड़े मकोड़े सांप गोजर निकल आते हैं, जो रहते हैं मैदान में सब भाग करके जो है कमरे में आ जाते हैं। बड़ी परेशानियाँ होती हैं किनारे के रहने वालों में। अब जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि बाढ़ का पानी जब आ जाता है तमाम सारी दिक्कतें होती हैं। सब्जी नहीं मिल रही है या हर सामान के लिए सिलेंडर नहीं मिल रहा है, सब चीज़ के लिए हम लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है या तमाम सारी तकलीफें, ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं, जैसे दैनिक सामान नहीं मिल पाता, इसके लिए नाव का इंतज़ार करना पड़ता है। कभी कभी नाव भी नहीं मिलती, तो यही सब होता है। पानी आ गया है तो इसलिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। हाँ, दिक्कतें शुरू हो गई, पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और दिन पर दिन दिक्कतें बढ़ती ही जाएंगी। अब आप लोग पहले मंजिल से दूसरे मंजिल शिफ्ट हो रहे हैं? हाँ हाँ, अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि अब तो जब हम लोगों को सेट करना पड़ेगा नीचे से ऊपर तक, और सारा सामान नीचे से ऊपर ले जाना, और फिर उसके बाद तमाम सारी परेशानियाँ जिसका सामना हम लोगों को करना पड़ता है और झेलते हैं, करना पड़ेगा ही।